नमस्कार जी, मुझे खुशी होती है आप सबको ये जानकारी देने में कि हमारी परिवहन समिति के सभी सदस्यों के सहकार की वजह से तथा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब इनके आदेशानुसार और हमारे यहाँ के कार्यक्षम ऐसे कमिश्नर साहब अभिजीत जी बांगर और हमारे व्यवस्थापक जी भालचंद्र जी बहरे, इनके सहकार्य से हम परिवहन सेवा अधिकाधिक कार्यक्षम करने की कोशिश कर रहे हैं। गणपति उत्सव में ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, आपको सबको जानकारी है। इस समय में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी तादाद बड़ी होती है, इसके लिए हम लोग 10-16 नया 9 मीटर की बसेस एसी बसेस चलाने की कोशिश करेंगे। वो अभी आ गई है बसेस, उनका फिर आरटीओ वगैरह वो जो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो पूरा करके बावजूद पूरा करने के बाद हम लोग वो बसेस भी चालू कर देंगे। ये सिटी के अंदर चलेगी, पवार नगर जैसे एरिया है, बहुत क्राउडेड एरिया है, मनोरमा नगर है, कुलशेद है, यहाँ बहुत डिमांड है, तो उधर हम लोग ये बसेस चलाने की कोशिश करेंगे अंतर्गत। और दीवा से डोंबिवली बहुत डिमांड है, वो भी हम लोग ये कोशिश करेंगे विद्यार्थियों के लिए उधर, और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए वो सुविधाजनक हो जाएगी, वो भी कोशिश रहेगी। और पहले 12 मीटर के तो बसेस चल रही है, 10 नहीं। और हम लोग ने ये सोचा है कि उद्घाटन वगैरह जो रहता है ना, ठीक है, लेकिन प्रवासियों को सुविधा उपलब्ध कर देना ये प्रथम कर्तव्य है। और धर्मवीर दिगे साहब ने यही उद्देश्य से ये परिवहन सेवा ठाणे की शुरू की थी, वो वही उद्देश्य सामने रख के हम भी कार्यरत। 12 मीटर की बस है ना, उसमें क्या बोले कि अपेक्षा ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 तक संख्या तक 45 तक लोग बैठे आरामदायी वगैरह, लेकिन इतनी डिमांड है, आप स्टेशन पे सेटिस पे आके देखिए, लोग मानने को तैयार नहीं, हम लोग खड़े रहेंगे चले गए, असुविधा होगी चलेगा, लेकिन ठंडे कूल प्रवास हम करने में हम लोग ज़्यादा इच्छा व्यक्त करते हुए, बिलीव मी 75 से ज़्यादा लोग बस में टोटल बैठते। कितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं, कितनी एसी अभी बस? तो देखिए, पहले हमारे पास 10 आई थी 9 मीटर वाली, बाद में ये 12, अभी 12 मीटर वाली हो गई है, और अभी 16 मीटर वाली आ जाएगी ये गणपति के हमारे त्यौहार में, और बाकी तो आती रहेगा। 123 आने वाली है टोटल, ये दिसंबर तक या जनवरी तक हो जाएगा। और मुंब्रा तो मुंब्रा का तो इम्पोर्टेंट है ना, ये हमारे जो सांसद है यहाँ के, उन्होंने किया है, आप लोग उधर ही करते हैं, हमारे मेरे सांसद क्षेत्र में क्या कर रहे हो, तो हम लोग ने उनकी जो आग्रह था उनका, ये भारत गियर से लेके भिवंडी तक हम लोग एसी बस चलाने वाले हैं 12 मीटर, ये चंद दिनों में वो भी चल जाएंगे।